दोस्तों, अगर आप भी बिना जिम जाए बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी बॉडी से मसल फैट को तोड़ना चाहते हैं, तो ये 8 एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपका लटका हुआ पेट है, थाइज है, या आपके बॉडी में कहीं पर भी वेट है या फैट है, तो ये आपकी मसल्स को बहुत बढ़िया तरीके से टोन अप करने का काम करेगी। वीडियो को ध्यान से सुन के फॉलो जरूर करिएगा और जो आपके ऊपर इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज करना कठिन होता है, मानती हूँ, लेकिन ये एक दवा की तरह ही है जो धीरे धीरे काम करती है और असर दिखाती है। लेकिन तब जब हम दवाई के रूटीन की तरह इसका भी रूटीन तैयार करें, तब उसका असर आना हमारे ऊपर शुरू होता है। स्कूल कॉलेज तक एक्सरसाइज करना आपको सही लगता है, लेकिन जब आपके पास 9 से 5 की जॉब हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो आप अपने घर पर आराम से कर अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, अपने फैट को तोड़ सकते हैं, अपने डॉक्टर खुद ही बन सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, प्लैंक। प्लैंक में सबसे पहले आपको अपनी कोहनियों को, अपने हाथों को मैट के साथ टिकाना है और अपने शरीर का वेट उस पर डालना है। उसके बाद अपने पंजों से अपने बॉडी को और अपने हाथों से अपने शरीर को लिफ्ट करना है। लेकिन आपकी जो लिफ्टनेस है, आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप इस पोजीशन में मिनिमम 30 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, तो इससे सारा लोड आपके टमी पर आएगा और जो जो मैंने आपके एरिया को बताए हैं उस पे ज्यादा लोड आएगा, जिससे कि वहां का फैट टूटेगा और आपकी मसल टोन होना शुरू होगी। जो आप लोग कहते हैं ना कि मेरी स्किन लटक गई है डिलीवरी के बाद, पेट अजीब सा ढीला पड़ गया है, थैली की तरह हो गया है, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आपकी मसल टोन होंगी, आपकी बॉडी शेप आने लगेगी, आपका फैट खत्म होगा। दूसरा, स्क्वाट। ये एक्सरसाइज करने से शुरुआत में आपको काफी पेन होगा, लेकिन विश्वास रखें, आपके हिप्स और थाइस को टोन करने की इससे अच्छी और बेहतरीन एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। स्क्वाट्स काफ और हैमस्ट्रिंग को मजबूत करने में बहुत मदद है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये लोअर बॉडी को आपकी बढ़िया तरीके से टोन करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको मिनिमम करने हैं इसके 20 के 2 सेट और आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाइएगा, यानी 20 के करें 3 सेट, फिर करें 4 सेट, ऐसे अपना स्टेमिना बिल्डअप करें, तभी आपको आपकी ड्रीम फिजिक मिलेगी। तीसरा, क्रंचेस। क्रंचेस पेट के मसल को सही टोन करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अपने घुटनों के बल फर्श पर लेट जाएं और हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाएं। अपने सिर को अपने घुटनों तक छूने के लिए अपने शरीर को ऊपर उठाएं। इससे आपके ऊपर और मिडिल एब्डोमिनल मसल पर बहुत ज्यादा अटेंशन होगा, मतलब खिंचाव पड़ेगा, जिससे वहां का फैट टूटेगा और आपकी मसल टोन होना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको करना है इसके 15 के 3 सेट, फिर जब आपको कुछ समय हो जाए तो आपको करने हैं 20 या 25 के 50 सेट। तो इस बात का ध्यान रखें, डे बाय डे हमने इंक्रीज करना है। जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका ड्रीम फिजिक का सपना जल्दी पूरा होगा। तो सब कुछ है आपके हाथों। चौथा, रस्सी कूदना, जंपिंग रोप। ये सस्ती और आसान कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जितनी जल्दी थकान होती है उतना ही अच्छा आपका हार्ट भी काम करता है। हार्ट जल्दी पंप होने से इस स्टेज में काफी तेजी से आपकी कैलोरी बर्न होती है और कैलोरी बर्न होने से आपका वजन तेजी से घटना शुरू हो जाता है। ये काफी सरल एक्सरसाइज है, इसे आप समय के मुताबिक या फिर काउंट करके कर सकते हैं। कुछ रैप्स करने के बाद यदि आप ज्यादा थक जाएं तो थोड़ा सा ब्रेक लें, दोबारा से इसको स्टार्ट करें। ये आपके पूरे बॉडी में जितना भी फैट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से दूर करके, आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग करके आपका स्टेमिना बिल्डअप करेगा। पांचवा है, लंजेस। ये भी स्क्वाट्स का एक ही रूप है, लेकिन ये कुछ ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें आपके काफ्स और कोर मसल दोनों वर्क करते हैं और आप अपनी लोअर बॉडी को टोन कर पाते हैं। पहले आप इसके 20 के 3 सेट करें, फिर जैसे ही आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए बाद में आप इसके अकॉर्डिंग डंबल हाथ में लें और फिर आप लंजेस करें। इससे आपकी मसल्स पे ज्यादा लोड पड़ेगा और वहां का फैट जल्दी टूटेगा। सिक्स है, पुशअप। बेंच प्रेस करते हुए तो कई लोगों को देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पुशअप लगाते हुए देखा जाता है। पुशअप ऊपरी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपका कोर, डेल्ट्स, पेक्टोरल
और ट्राइसेप्स का उपयोग होता है जो कि मल्टी मसल एक्सरसाइज बनता है। और इसे अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद अपनी पीठ पर वेट भी रख लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी इससे हेल्प मिलेगा वेट लॉस करने में। ये गर्ल्स का स्पेशली जो ब्रा फैट होता है, जो चेस्ट फैट होता है, वो बहुत अच्छे से लूज करता है। और अगर आपकी बाजुएं लटक सी गई हैं, उनमें बहुत चर्बी सी जम गई है, तो ये उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से टोन करेगा। एक साथ में आपको मिथ जरूर क्लियर करना चाहूंगी जो आप लोगों की गलतफहमी है, जो आप लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहली चीज की वर्कआउट कब करें, उसका आंसर ये है कि सुबह करें, शाम करें, खाना खाने के एक घंटे बाद करें। लेकिन दूसरी चीज, वर्कआउट खाली पेट करें या कुछ खाकर करें, तो हमेशा वर्कआउट थोड़ा सा कुछ भी खाएं, चाहे एक बनाना खाएं या एप्पल खाएं, कुछ खाकर करें ताकि आपके बॉडी के अंदर स्टेमिना रहे। तीसरी चीज, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आप फैटी हैं तो आपका फैट दूर होगा, और जिस मसल को अगर आप टोन, जिसकी अगर ब्रेस्ट कम है वो ब्रेस्ट अच्छी हो जाएगी शेप में, और जिसकी बहुत हेवी ब्रेस्ट है वही सेम एक्सरसाइज करने से उसकी ब्रेस्ट कम हो जाएगी। तो ये मसल को टोन करता है, एक प्रॉपर शेप में लेकर आता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हर एक्सरसाइज हर पर्सन के लिए होती है, चाहे वो वेट गेनिंग पर हो या लूज पर। सेवेंथ है रनिंग। रनिंग बहुत अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का। रनिंग जरूर करनी चाहिए अगर आप बाकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। चाहे आप सेम जगह खड़े होकर रनिंग कर सकते हैं या आप किसी लंबी दूरी को तय करते हुए भाग सकते हैं। ऐसे में आपकी बॉडी जल्दी थकती है और वहाँ का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, तो इसको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। 8 नंबर पर आता है बर्पी। बर्पी में स्क्वाट, पुशअप और जंपिंग जैक तीनों एक्सरसाइज मिक्स होती है, जो कि आपको एक बार में ही करनी होती है। ये पैर, आर्म और चेस्ट के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है। इसे करने के लिए स्क्वाट पोजीशन की तरह दोनों हाथ जमीन पर रखने होते हैं, उसके बाद एक पैर ऊपर उठाकर पुशअप करते हुए फिर यही काम दूसरे पैर से करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ती है, जिससे आपकी फिटनेस का लेवल चेक होता है। इसे करने से अधिक कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपके वेट लॉस में सारी एक्सरसाइज के मुताबिक जल्दी हेल्प मिलती है। इससे कार्डियोवास्कुलर से भी बचाव होता है, जो आप समझ गए होंगे कि यदि आप जिम ना जाएं तो कैसे अपनी बॉडी को घर पर बैठे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज ही इन एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इनमें से आप कोई भी दो या तीन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे कुछ और करें, फिर उसके नेक्स्ट डे कुछ और करें, जिससे आपकी बॉडी को हैबिट भी ना हो और आप एक परफेक्ट टोन बॉडी पा सकें। लाउड म्यूजिक चलाएं, मोबाइल्स को करें स्विच ऑफ, किसी से बात ना करें, अपने एक्सरसाइज पे फोकस करें। ऐसे ही कुछ नया देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।